Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome back in Peshawar Coaching Academy. आज पेडागॉजी का सातवां लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं. अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हौसला अफजाई हो जाएगी और आने वाले मुफीद वीडियो से आप इस्तेफादा हासिल कर सकें. आज एमसीक्यूज 27. द रूल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफ इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेटर डेलीगेटर फॉर्मल अथॉरिटी. एक्चुअली जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि एक्चुअली पेडागॉजी क्या है, तो ये मैक्सिमम और मेथड्स है. पेडागॉजी ये दो चीज़ों पर इंसार कर लेता है. यानी मैक्सिमम का मतलब है कि हम किसी लेसन को किस तरह इसको बना ले, स्टार्ट किस तरह, एंड किस तरह, मेट किस तरह, तो ये सारे बीट सारे इंफॉर्मेशन हमारे साथ मैक्सिमम में आता है. मेथड्स अब हम किस तरह इसको पढ़ाए, तो आजकल मॉडर्न दौर है तो ज़्यादातर मुख्तलिफ मेथड है. साइंस आजकल ज़्यादातर प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया जाता है. तो अब ये क्या है, इंक्वायरी बेस में आजकल टीचर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़्यादातर फैसिलिटेटर होता है. डेलीगेटर फैसिलिटेटर तकरीबन एक चीज़ है, मगर यहाँ पर बेस इंक्वायरी में फैसिलिटेटर टीचर इस पे एक फैसिलिटेटर है. वो सिर्फ यानी स्टूडेंट को चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसकी मदद कर लेता है, सिर्फ फैसिलिटेटर है. 28 इनकॉर्पोरेटर लर्निंग मेथड द रूल ऑफ टीचर इज ऑफ फैसिलिटेटर डेलीगेटर फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर डेलीगेटर एंड फॉर्मल अथॉरिटी. तो ऑप्शन सी फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर. कोऑपरेटर लर्निंग मेथड मजीद मॉडर्न मेथड है, तो इसी में ये दोनों बातें हमारे साथ आता है, फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर. मैंने पहले भी जिक्र कर लिया कि फैसिलिटेटर डेलीगेटर तकरीबन इसमें ज़्यादातर अच्छाई दिखे. फैसिलिटेटर सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ किसी रहनुमाई करना ज़्यादातर. डेलीगेटर भी ज़्यादातर इसकी रहनुमाई है, मगर ये इसकी कुछ एडवांस है डेलीगेटर. अब हम बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन नंबर 29. डायलेक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय. तो ये किसने ईजाद किया था डायलेक्टिक मेथड, तो एक्चुअली ये सुकरात प्लेटो अरिस्टोटल ऑप्शन डी जॉन डेवी. एक्चुअली यहाँ पर ये मेथड जो है ये सुकरात ने डिवेलप कर लिया था, उसको इन्वेंट किया था, तो यहाँ ऑप्शन सही है. 30 नंबर द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स नल लर्निंग डूइंग मैनर फिजिकल मोमेंट. एक्चुअली साइकोमोटर डोमेन ये फिजिकल मोमेंट पर इन्हिसार करता है, यहाँ ऑप्शन डी यहाँ में सही है. 31 द स्किल व्हेन स्टूडेंट ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड ऑरिजिनेटिंग करेक्टराइजिंग एवेलुएटिंग साइंथिसाइजिंग. एक्चुअली यहाँ पर करेक्टराइजिंग सही है. एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की बिल्डिंग में स्किल में हमारे साथ करेक्टराइजिंग, तो ऑप्शन बी सही है. एन असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन द पर्सन एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड एप्टीट्यूड डायग्नोस्टिक एवेलुएशन मेजरमेंट. आजकल आपने देखा होगा MPhil और PhD इस तरह ये एग्ज़ामिनेशन ये स्टूडेंट को चेक करने के लिए कि आया उसके आगे जो गोल है वो कर सके. सपोज एक शख्स MPhil करना चाहता है तो वो इस तरह का टेस्ट दे असेसमेंट दे देगा कि वो आया आगे चल सकता है या नहीं. तो लिहाजा इसमें ऑप्शंस ए सही है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो किसी भी ऐसा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जाने के लिए जो टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है, लिहाजा ऑप्शन सही है. हाविच एक टीचर पोस्टर सेंसर ऑफ ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेसेस इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेटर डेलीगेटर फॉर्मल अथॉरिटी. इसलिए मैंने कहा कि फैसिलिटेटर डेलीगेटर तकरीबन एक ही है, मगर डेलीगेटर इसमें कुछ मॉडर्न है. आज के लिए इतना ही, कल और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होगी. अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लें. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस.